हेलो स्टूडेंट्स मिस पोनम दिस साइड आई एम हेयर टू कंटिन्यू आवर चैप्टर फोर प्लांट्स इन आर लाइफ्स इन प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सो इन टूडेज क्लास वी विल प्रोसीड दिस चैप्टर विद हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स हैबिटेट ऑफ प्लांट्स हैबिटेट क्या है जैसे आप लोग हैं अपने घर में रहते हैं तो वो आपके लिए क्या है आपका शेल्टर तो है ठीक है तो प्लांट्स भी जिस एरिया में रहते तो हैं जहाँ ग्रो करते हैं उसको प्लांट्स का हैबिटेट बोलते हैं और प्लांट्स मोस्टली हर एरिया में पाए जाते हैं चाहे कोल्ड एरिया है हॉट एरिया है ड्राई एरिया है या फिर ह्यूमिड एरिया है हर हर तरीके हर तरह के एरिया में प्लांट्स पाए जाते हैं ठीक है जैसे प्लांट्स ड एरिया सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर एरिया तो कंक्लूजन क्या निकलता है कंक्लूजन निकलता है प्लांट्स हैव अडेप्टू लीव इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट कंक्लूजन ये निकलता है कि प्लांट हर तरीके के हैबिटेट में रह सकते हैं तो हैबिटेट क्या हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर डू द प्लांट ग्रो ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट हैबिटेट ऑफ प्लांट्स सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की डेजर्ट प्लांट्स मतलब कि जो बहुत मिट्टी में उगते हैं ठीक है रेत में उगते हैं डेजर्ट आपको पता है ना जैसे रेगिस्तान को कहते हैं डेजर्ट एरिया तो डेजर्ट प्लांट क्या है जो कि ड्राई डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं और डेजर्ट होते हैं तो वो बहुत ही हॉट हौत होते तो प्लांट्स दैट तो ग्रो इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स दैट प्लांट्स आर कॉल्ड डेजर्ट तो प्लांट्स यूजअली क्या होता है इन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं बहुत कम होते हैं मतलब कि लेस होते हैं लेस लीव दीज प्लांट्स हैव लेस लीव्स एंड दे हैव द थॉर्न्स थॉर्न्स मीन्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपको ऊपर जो इमेज दिखाई दे रही है वो कैक्टस की इमेज है आपको इस पर कुछ निडल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं तो ये थॉर्न क्या करते हैं ये प्लांट को एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं अगर ये यह काटे जैसा ये स्ट्रक्चर जो है इनके होने की वजह से एनिमल इनको खा नहीं पाते हैं फाइन सो प्लांट्स हैव थॉर्न्स सो दैट एनिमल कैन नॉट ईट देम और दूसरे क्या बात होती है इनके बारे में देखें स्टोर वाटर इन देयर स्टेम अब डेजर्ट एरिया है तो पानी वहाँ पे रेगुलर तो मिलेगा नहीं तो प्लांट क्या करते हैं अपने स्टेम पार्ट में पानी को स्टोर कर लेते हैं ठीक है और वो स्टोर वाटर को वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ करते हैं जैसे आपको पता है ना कैमल भी डेजर्ट में रहते हैं तो कैमल भी क्या करता है पानी स्टोर करता है तो लाइक वाइज ये प्लांट जो है ये स्टेम में अपना पानी स्टोर कर लेते हैं जैसे आपको ऊपर वाली इमेज दिखाई दे रही है वो कैक्टस की है और नीचे वाली इमेज बबूल की है ये दोनों ही प्लांट डेजर्ट प्लांट्स हैं ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड आर नेक्स्ट प्लांट्स आर एक्टिक प्लांट इक्विक यू नो दैट इक्वेटिक मीन्स वाटर प्लांट्स जो जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं दोज प्लांट्स आर कॉल्ड इक्वेटिक प्लांट्स इनकी क्या स्पेशलिटी होती है दे हैव होलो स्टेम होलो मतलब खोखली स्टेम होती है इनकी और फ्लैट लीव्स होती हैं फ्लैट लीव्स होने की वजह से क्या है ये पानी के ऊपर फ्लॉट कर पाती हैं ठीक है जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल है टॉप पे वाटर लिली सेकेंड वन इज वाटर चेस्टनट एंड द लास्ट वन इज द लोटस ये तीनों प्लांट कैसे हैं इक्वेटिक प्लांट है ये पानी में पाए जाते हैं ठीक है और लोटस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता ही है कि लोटस इज आर नेशनल ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट वन टाइप ऑफ हैबिटेट इज माउंटेन प्लांट्स तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि जो माउंटेन प्लांट है दे ग्रो इन द दिली एरियाज माउंटेन एरिया में ये प्लांट ग्रो करते हैं अगर माउंटेन एरिया तो डेफिनेटली वो एरिया क्या होगा कोल्ड होगा ओके okay, और यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं कॉनिकल शेप के होते हैं जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ठीक है कौन लाइक स्ट्रक्चर होता है इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो आइस या स्नो गिरती है तो वो ज़्यादा टाइम तक लीफ पे स्टेबल नहीं रह पाती और वो स्लाइड करके नीचे गिर जाती है ठीक है और इन प्लांट्स में क्या और अदर स्पेशलिटी है दे हैव वैक्सीन डिडल लाइक लीव्स विच कैन सर्वाइव द आइसी क्लाइमेट निडल लाइक लीफ होने की वजह से ये आइसी क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं और ये एवरग्रीन प्लांट होते हैं एवरग्रीन मतलब जैसे क्या होता है ना आप अपने एरिया में देखते हो तो जो प्लांट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे लीव्स शेड कर देते हैं ठीक है उनके पत्ते गिर जाते हैं मुरझा जाते हैं लेकिन माउंटेन प्लांट्स क्या होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं वो कभी भी अपने सभी लीव्स को शेड नहीं करते हैं ठीक है द क्रॉनिकल ट्रीज दैट ग्रो इन सच रीजनस आर कॉल्ड कॉनिफर्स इन एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं कॉनिफर्स एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं अपर लेफ्ट साइड में आपको पाइन का स्ट्रक्चर दिखाई की पिक्चर दिखाई दे रही है ओके okay? राइट right में आपको स्पेरस की दिखाई दे रही है और जो बॉटम पे है वो रेडवुड की है ओके सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड दैट आर ट्रॉपिक प्लांट्स ट्रॉपिक प्लांट्स कौन से होते हैं जो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं ठीक है ह्यूमिड का मतलब होता है नमी वाले एरिया में ठीक है थोड़ी गर्मी होनी चाहिए और मौसम में थोड़ी जो एटमोसफेयर है उसमें नमी होनी चाहिए ह्यूमिडिटी होनी चाहिए ठीक है दीज आर यूजअली लस एंड डेंस विद मैनी लीव्स लश में मतलब बहुत ज़्यादा इनके जो लीव्स होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है ऑल द रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द वॉर्म ह्यूमिड रीजन तो जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं वो यूजअली कहाँ मिलते हैं वार्म एंड ह्यूमिड रीजन्स में मिलते हैं यहाँ पर इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बनाना मैंगू कोकोनट एंड द मनी प्लांट दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक प्लांट्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स okay so in next class we will be talking about uses of plants so till then go through with this entire video and note down the important points and learn them well okay so thank you so much meet you in the next class till then stay home stay safe thank you so much